आज हम बनाने वाले हैं शोरबा। सर्दियां आने वाली हैं, शोरबा सर्दियों के लिए खास रेसिपी है। ये देता है सर्दी में गर्मी का एहसास और खांसी जुकाम तो मीलों दूर भाग जाएंगे। इसमें एक खास इंग्रेडिएंट पड़ता है जो ठंडी को भगाता ही नहीं है, शोरबे को बहुत डिलीशियस बना देता है। टमाटर को मोटा मोटा काट के डाल दीजिए कढ़ाई में। हरा धनिया जड़ समेत टमाटर के साथ डाल दीजिए। इसकी डंडियों और जड़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। डाल दीजिए इसमें बिना छिला लहसुन और मोटे मोटे अदरक। दो तीन हरी मिर्च डाल दीजिए। मसालों में डाल दीजिए नमक, चीनी, कश्मीरी लाल मिर्च जिससे रंग बहुत कमाल का आता है, थोड़ा सा पेपर और चिली फ्लेक्स। इनको ढक कर तब तक पका लीजिए जब तक ये गल ना जाए और इसमें सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से ना आ जाए। अब दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। देसी घी का स्वाद इस शोरबे में कमाल का लगता है। तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी डालकर भून लेंगे और दो चम्मच बेसन डालकर उसको गुलाबी भून लेंगे। बेसन बिल्कुल जलना नहीं चाहिए वरना स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेसन भून गया है, इसमें डाल देंगे टमाटर और धनिए का मिक्सचर। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए और उबालेंगे। तो मिला दीजिए इसमें 1 कप पानी और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए। शोरबा हमारा काफ़ी अच्छा पक गया है। पूरी किचन सौंधी सौंधी बेसन और धनिया की खुशबू से भर गई है। अब कर देंगे गैस बंद और इसको हम चाली में डालकर छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसे मिक्सी में डालकर बिल्कुल मत पीसना, उससे शोरबा गाढ़ा हो जाता है। शोरबा पतला ही बहुत अच्छा लगता है। इस पर थोड़ा पानी डालकर अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए और इसे 5 से 7 मिनट और उबाल लीजिए। देखिए, डेलीशियस फ्लेवरफुल शोरबा बिल्कुल बनकर तैयार है। सर्दियों में तो ये रामबाण है। रोज टमाटर और धनिए का शोरबा बनाइए और सर्दी को कर दीजिए बाय बाय। ना खांसी होगी ना जुखाम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।